कमाल है, ऐसे बेवजह गुस्से का क्या मतलब? अरे सठिया गया है मेरा बुढ़ा, कुछ न कुछ भांगड़ा चल रहा होगा उसके दिमाग में। कुछ तो छुपा रहे हैं वो तुमसे। अरे क्या छुपाएगा वो मुझसे? तुमसे बहाना बना के कॉलेज जाना, मेरे घर के सामने चक्कर काटना, क्या वो किसी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं? किससे? ऐसा कोई जो दोनों जगह हासिल हो। अरे वहाँ इतनी भीड़ होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन है? टीचर! क्या? तुमने तो कहा था ना, ये नए अवतार शादी के बाद चालू हुए। हाँ। टीचर भी थी शादी में। मैं समझा नहीं। अरे जब मैंने उन दोनों को मिलवाया था ना, टक टुक टक टुक एक दूसरे को ही देख रहे थे, दोनों हैरान। बापू क्यों हैरान हो जाएंगे? वही तो, आम आदमी आपस में मिले तो ऐसे थोड़ी बिहेव करते हैं। मैं बोलती हूँ कुछ तो है उन दोनों के बीच में। बापू टीचर पे लाइन मारा है? वैसा नहीं कहूंगी मैं, लेकिन शादी के बाद ही तुम्हारे फैशनेबल कपड़े उड़ गए, उनके बालों की सफेदी निकल गई और मूंछ भी निकल गई, और घर में शमी कपूर की तरह नाच रहे थे। साला मेरा बापू। सुन सुन, ऐसा मुझे लगता है, मेरे पास कोई सबूत वबूत नहीं है। अरे उसकी फिक्र मत कर। हेलो, हेलो कौन? हेलो, मैं अनुराधा जोशी। अनु? आप श्रीमान जनार्दन राने हैं? श्रीमान जनार्दन राने? इतनी फॉर्मालिटी क्यों है? तू तो मुझे जानू कह के बुलाती थी ना, तो आज भी वैसे ही बुला जानू। नहीं नहीं तो, एक्चुअली इतने दिनों बाद अचानक। सच कहूं अनु, तो मेरा तो कई बार दिल किया कि तुमसे बात करूं, लेकिन ये सोच के रह गया कि कहीं तुम नाराज हो गई तो। नाराज नहीं तो। सुनो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। इतना सुकून मिला है ये सुनकर, और शादी में तुमने मुझे पहली नजर में ही पहचान ली, मैं तो दंग रह गया। और फिर तुम्हारा गाना सुना, फिर वो सारी यादें एक के बाद एक। यादें तो ढेरों हैं, तुम्हें क्या कौन सी याद आई है? याद है मैंने तुम्हें चार लाइना दी थी, वो कविता। मैंने हवा के परों पे लिखा है दीवाने दिल का फसाना। हाँ याद है। मुझे तो लगा कि तुम सब भूल गई होगी। कैसे भूल सकती हूँ वो कविता जो तुमने मेरे दिल के पन्नों पे लिखी थी। अनु तुम एक बार गा के सुनाओ ना, तुम्हारे जानू के लिए। हाँ प्लीज। नहीं नहीं तो, शिखा आ रही है बाद में। मैंने हवा के परों पे लिखा दीवाने दिल का फसाना, तूने पढ़ा के नहीं जान जाना, मिलके मुझे बतलाना। हेलो हेलो हेलो, क्या ये अनु है? कौन बात कर रहा है? क्या कहूं, श्रीमान जनार्दन राने या तुम्हारे लिए सिर्फ जानू? कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या कहूं, शायद तुम मुझसे नाराज हो। नाराज? और मैं? तुम्हें पता है जानबूझकर मैंने कुछ नहीं किया। शादी में सिर्फ एक बार देखने से तुमने मुझे पहचान लिया,
मैं तो हैरान रह गया। फिर जब तुम्हें गाते सुना, सारी पुरानी यादें एक के बाद एक। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ। एक वजह है तुम्हें अभी फोन करने की। कल मैं कुछ किताबें उलट पुलट कर रहा था तो यूं ही वो चार लाइनें याद आ गई। याद है वो कविता जो मैंने तुम्हारे लिए लिखी थी? आज भी तुम्हारी आवाज मेरे दिलो दिमाग में गूंज रही है। मैंने हवा के भरों में लिखा है दीवाने दिल का मसाला। अरे बेटा बेटा, आपके पापा है घर पे क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। क्या लग रहे हो आजकल? हाँ, आप जैसे उम्र 52 नहीं 25 हो। क्या बात है, आपके गाल ये बाल अभी भी जवानी छलकती है। हाँ? अरे अभी से शुरू हो गए? छोड़, बिना काम के तू मेरे घर की घंटी बजाने से रहा? जल्दी से बोल, बात क्या है? देखिए अंकल, पिछले 20 सालों से जो काम करने में आप नाकामयाब रहे हैं, वो काम मैं आज चुटकी में कर देना चाहता हूँ। क्या? आपकी शादी। तूने भी शादी का ऑफिस खोल लिया? अरे खोला नहीं, लेकिन आपके लिए खुलवा देंगे। उसमें क्या है, क्या याराना रहा है आपके और मेरे बापू का? इतने साल लंदन में पैसे नहीं थे तो एक ही बिस्तर में खाना खाए, एक ही थाली में सोए। उल्टा बोल रहा है। अरे जो भी है, आपको आपकी यारी की हर पल याद है ना? और मेरे बापू गद्दार। गद्दार? उसने क्या कब घोड़ा मारा मेरा?